ओम शांति। आज 21 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें एक चैतन्य लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस का कार्य है दूसरों को रास्ता दिखाना। तो बाबा कहे, तुम्हें भी सबको बाप का परिचय देते हुए घर का रास्ता बताना है। साथ ही आज बाबा कहे, तुम बच्चों को खुशी से बाप की याद में रहना है। इतना ही नहीं, लेकिन बाबा ने स्वदर्शन का भी ज्ञान दिया है, तो तुम्हें स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। और एक बहुत सुंदर बात बाबा ने आज कही, बच्चे तुम्हें अपना अच्छा दोस्त बनना है। एक दोस्त का कार्य क्या होता है? अच्छी सलाह देना, अच्छी तरह से पॉजिटिवली उमंग उत्साह भरना। तो बाबा कहे, तुम्हें स्वयं का अच्छा दोस्त बनना है। आज विशेष बाबा ने मुरली के अंदर हमारे परम आदरणीय नलिनी दीदी को याद किया। सामने बैठे होंगे दीदी, तो इसीलिए बाबा ने उनसे पूछा, बच्ची क्या कर रही हो? खाली बाप को याद कर रही है या और भी कुछ कर रही हो? स्वदर्शन चक्र को भी घुमा रही हो? घर को भी याद कर रही हो? याद में कितनी सारी बातें कनेक्टेड है, उन सारी बातों को बाबा ने आज विशेष शिक्षा के रूप में हम सभी बच्चों को दिया है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। प्रश्न है आज की मुरली से, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ऐसे अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा, आकाशवाणी सुनाई देंगी। ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी बाबा ने स्पष्ट किया कि उन्हें ब्रह्मा बाबा दिखाई देंगे और कहेंगे, तुम जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास और तुमको वैकुंठ के प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते, नलिनी बेटी से पूछते हैं। सामने बैठे थे दीदी, तो नलिनी बेटी से पूछते हैं, यहां क्या कर रही हो? किसकी याद में बैठी हो? बाप की? सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? बाबा पूछते हैं सभी बच्चों से इन जनरल, और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ किस चीज का? 84 जन्म के चक्र का। तो वह चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो, हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं। हम बाबा कहे, वास्तव में विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाए के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाए के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा। बाबा कहे वास्तव में यह चक्र है तुम्हारा। तो यहां जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए यह चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो। बाप को याद करना है, घर को याद करना है, लक्ष्य को याद करना है, और बाबा कहे चक्र भी फिराना है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम हो लाइट हाउस, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम, दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटते हैं, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, बाप को याद करने से पाप कटते हैं, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, और फिर चक्र को भी याद करना है। यह सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है मृत्युलोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमरलोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहां तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती है, वहां मरने का डर नहीं, स्वर्ग में मरने का डर नहीं, क्योंकि अमरलोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहां तो गर्भ महल होता है, वहां पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े, यहां तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं, तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहां तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे स्वतो प्रधान बन सकते हो। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है। क्या सुना है? श्री कृष्ण भगवान उवाच, देह सहित देह के सर्व धर्म को भूलो। हाँ, तो बाबा कहे बस सुना है श्री कृष्ण भगवान उवाच, देह सहित देह के सर्व धर्म को भूल मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर है जो पढ़कर सुनाते हैं, ऐसे नहीं कहते तुम ऐसे बनो। सिर्फ पढ़ते हैं भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? खुद ही अपना रथ है तो बाबा के उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वह सदैव शिव ही है। बुरी मन बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव, कहते ना लगाओ बिंदी, यानी लगाओ शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे, कोई आकृति होंगी तो उसको देखकर खुश हो जाएंगे, बाकी बिंदी को देख करके क्या महसूस होगा? अच्छा फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नौधा भक्ति की, दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं।
बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है। वह है सब भक्ति मार्ग, यहां यह है ज्ञान मार्ग। यहां अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर से कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई, यह सिर्फ इशारा मिलता है यहां जाओ। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, त्रिमूर्ति का चित्र भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है। तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते तुमको कमल फूल समान बनना है, विष्णु के चारों ही अलंकार बाबा बता रहे हैं, एक तो चक्र, दूसरा बाबा कहे तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थाई तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है, जब मुख से ज्ञान सुनाते तो उसी को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं, तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है पांच विकारों रूपी माया को जीतने की, बाप उपाय बताते हैं कैसे जीतना है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो, दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए है कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती है। बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, यह मैं गारंटी करता हूं। बाबा गारंटी करते हैं, बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं, बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है, बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो, भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रह कर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है, कहते हैं ना ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। यह बच्चियां भी भोग लेकर आती है तो वहां महफिल होती है, वतन में महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। दुनिया के अंदर ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते तो मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह है हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिलकायत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़े हैं। वो छोड़ दिया और फिर शहरों में आकर रहने लगे हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है कहां, सुखधाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े, मुख्य है शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुखधाम को याद करते हैं। यह हमारा बहुत जन्म के अंत का जन्म है,
84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। क्या कहते? आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर हम सो चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर हम सो वैश्यवंशी शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहां बैठे हैं, जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। 84 की बाजोली चलती है। ये बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है। कौन सा? बाबा कहे अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने की ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा हॉल लौट आएगा होलसेल में, जैसे कहा ना होलसेल में जाएंगे। तो बाबा कहे जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा। बाप ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान, फिर बड़े बड़े शाहूकार करोड़पति जाकर उनों के शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना, हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्रायलोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आय वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था उस समय में। बाबा कहे एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई है, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त ये ब्रुकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है, ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। सारा पाठ आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूं तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं बाबा के पास किस लिए? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं, पूरी आयुष्य भोग कर। तो बाबा के पूरा बुढ़ापे के बिगर
कोई मरेगा नहीं, यहां तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं, वहां तो दुख का नाम ही नहीं होता, उनको कहा जाता है सुख धाम राम राज्य। यह है दुख धाम रावण राज्य, सत्युग में रावण होता ही नहीं। तो यह 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। चक्र घुमाने से बाबा कहे बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं, गीता में भी भगवान वाच है ना। ये बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अवलदीन का नाटक, हातम ताई का नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते हैं, क्या माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हो, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं, सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना, यही तो करामत की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। ये 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है, यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर से कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी है, सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, यह भी ग्लानी हुई ना, हिंसक कैसे हो सकते, कितना हिंसक बना दिया है। तुम डबल अहिंसक बनते हो, काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है, योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं। बाबा कहे योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं। साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ, ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई भी बात होती ही नहीं, प्रजा के पास थोड़ी इतना धन माल आदि होता है। बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी, राजा रानी शाहूकार प्रजा सब चाहिए ना। बाबा कहे हर कोई होगा, राजा रानी प्रजा सब होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरी पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मुहूर्त भव, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मुहूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है
उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है और जहां सर्वशक्तियां हैं वहां सफलता न हो या संभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। आज का स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह है कौन। सच्चे वैष्णव की डेफिनेशन बाबा देते हैं, सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते ही नहीं। सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।